नमस्कार। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोज़गारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोज़गारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोज़गार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोज़गार? कौन देगा इनको रोज़गार?